ताज्या आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या मन की बात या देशवासियांसाठी संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमाचा 100वा भाग साजरा झाला। प्रभाग क्रमांक 13 मधील पात्रूट चौक येथील विघ्नहर्ता कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमास भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती। प्रारंभी दिवंगत नगरसेवक स्वर्गीय सुनील कामाटी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले। यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते व नागरिकांनी मोठ्या LED स्क्रीनवर मन की बात हा कार्यक्रम पाहिला। याप्रसंगी आयोजक शिवकुमार कामाटी, माजी नगरसेवक रविसिंह कय्यावाले, शक्ती केंद्र प्रमुख महेश अलकुंटे, बजरंग कुलकर्णी, पांडुरंग मुदगल, गजानन कामाटी आदींसह प्रभागातील ज्येष्ठ नागरिक व युवकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। यूनेस्को की टीचिंग एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे, बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की। भारत की प्राचीन परंपरा है, इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिले। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के अद्भुत मिसाल बन गए। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयास हाईलाइट किया जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में खेले पर चाय देने वाले स्वर्गीय दीप प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी को कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए इन बच्चों की मदद करने वाली अमृता एनके जी को, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए। हमने कल्चरल